रहीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। दोस्तों, आपका शेफ एहसन इमरान एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपको पता है सर्दियों का मौसम है और सीजनल जो है वो चीज़ें इस वक्त मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए हम खानजी फूड्स 99 पे लेके आ रहे हैं। उसी में से आज एक रेसिपी मैंने आपके लिए चॉइस की है कि आज हम आपको जो है वो फ़िश स्टीम रोस्ट बनाने सिखाएंगे। जिस तरह मैंने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर अपनी चिकन स्टीम रोस्ट मैंने बनाया था, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला वेजिटेबल के साथ जो है वो आज क्योंकि सीज़न है वेजिटेबल का, गाजर भी है, मटर भी हैं, आलू भी बहुत अच्छे से आए हुए नए, तो इन सारी चीज़ों के साथ हम फ़िश स्टीम रोस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ़िश ले ली है, तकरीबन ये 1 kg मेरे पास फ़िश है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, टमाटर हैं, गाजर है मेरे पास, लहसुन है, अदरक है, पोटैटोज़ है मेरे पास, मटर भी डालूंगा इंशाल्लाह इसके अंदर। इसके साथ दही है मेरे पास, स्पाइसेस के अंदर जो है वो लाल मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला वही खांजी वाला है हमारा, और नमक है, और ये चाट मसाले। फ़िश फिले हमने जो है वो ले लेना है, और इसको मैंने जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर कट लगा लेने हैं, ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कट लगाने हैं ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से जो है वो अंदर तक इसके जज्ब हो जाए, वरना वन फिश जो है वो हमारी सूखी सूखी है। देखें, ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये सारे कट लगा लेने हैं। लगा लिए हमने फ्लेयर्स को अपने। अब मैं एक पाव मैंने ये दही ले लिया है, इसके अंदर जो है ये मेरे ड्राई मसाले जो मैंने बताया था, 1/2 tbsp मेरे पास चाट मसाला है, 1/2 tbsp सॉल्ट है, 1 tbsp मेरे पास गरम मसाला है, 1 tbsp ज़ीरा है, 1/2 tbsp मेरे पास जो है वो लाल मिर्च है, और ये तकरीबन जो है वो 1/2 tbsp मेरे पास टीस्पून मेरे पास जो है वो जर्दे का कलर है, ये इसको मैं इसमें शामिल करूंगा और अच्छे तरीके से इसको मिलाऊंगा। जिस वक्त मैं आपको लगाता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मसाला हमारा योगरेट के साथ तैयार हो गया है। इस तरीके से मैंने इस मसाले को जो है वो अपनी फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देना है, इस तरीके से लगाना है, और बहुत अच्छे से मैंने इस मसाले को जो है वो अपनी फ़िश के अंदर इस तरीके से हाथ से जो है वो मैं इसको शामिल कर दूंगा मसाले को, ये देखिए, और इंशाल्लाह ताला वेजिटेबल भी इसी के अंदर जो है वो हमने लगानी है। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से जो है वो मसाले को लगा देना है इसके ऊपर अच्छे तरीके से अपनी फ़िश के अंदर। बैक साइड पे अगर आप चाहें तो थोड़े थोड़े से कट जो है वो लगा लीजिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह ताला ये जो विंटर की रेसिपीज़ हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। आप इसको खाइए, इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ और बच्चों के साथ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। तो तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे में इसी तरीके से स्टे देके फ्रिज के अंदर मैं इसको रख देता हूँ। वेजिटेबल मैंने ये ले ली है एक फ्ले के लिए, इसके अंदर मैंने जो है वो इसी बैटर को जो है वो शामिल करना है, इसी बैटर को मैं शामिल करूँगा इसके अंदर, अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगा जो वेजिटेबल है मेरे हमारी, ताकि इसके अंदर भी इसका सारा स्वाद जो है वो आ जाए। और इसके बाद मैंने जो है वो एल्युमिनियम फॉइल में जो है वो अपने फ्ले को रखना है। ये मैंने एक फ्ले उठाया, इसको मैंने इस तरीके से रखना है यहाँ पे आराम से इत्मीनान से। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये सारी वेजिटेबल अप्लाई कर देनी है, जिस तरीके से भी चाहे लगा दें वेजिटेबल को आप, इस तरीके से ये वेजिटेबल मैंने इसके ऊपर सारी जो है वो अप्लाई कर देनी है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा वेजिटेबल का, इस फिश के साथ मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने इसी तरीके से अगर इसको मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाई, इस तरीके से एक लेमन जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो छिड़क देना है अच्छे से। 2 हरी मिर्चें हमने इसके अंदर रखनी है, इसको मैंने अच्छे से यहाँ से उठा के फोल्ड करना है, यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से उठा के इस तरीके से फोल्ड करना है मैंने, और उसके बाद इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करना है, और फिर मैंने यहाँ से इसको अच्छे से जो है वो फोल्ड कर देना है। ये लीजिए जी, ये हमारी स्टीम रोस्ट वाली फिश तैयार हो गई इसके, और इस तरीके से हमने जो है वो इसको स्टीम जब मैं देता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ज़ीरा और गरम मसाला डाल के मैंने पानी को बॉईल करके और स्टीमर रख के, और ये दोनों अपने फ़िले जो है मैंने एल्युमिनियम फॉइल में रख के और इसमें रख दिए हैं। तकरीबन 1/2 से 1.5 घंटे के अंदर हमारा ये जो है वो ज़बरदस्त किस्म की स्टीम हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं स्टीम कैसी है, और ये मैं 1/2 से 1.5 घंटे के लिए, तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसको मैं कवर करके रख रहा हूँ जी। दोस्तों, स्टीम इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको जो है वो मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, देखते हैं इसको किस तरह की जो है वो हमारी फिश जो है वो तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं, हाँ हाँ हाँ
ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो, ये देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल है। इनका कलर देखें, किसी चीज़ का कलर ख़राब नहीं हुआ। ये फिश देखिए, ये देखें, ये हमारी फिश देखें ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्टीम हुई है। और इसी तरीके से हमने इसको बनाना था, कोई पानी इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल खुश्क ये फिश जो है निकली है। इसके साथ वेजिटेबल आप देख लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये स्टीम हो चुके हैं। ये देखें तमाम वेजिटेबल इसके अंदर जो है वो गल चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये फ़िश हमारी तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ रोज़ाना आप लोगों से मुलाकात होती है। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस दुआ के साथ अपने शेफ हसन इमरान को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। ये मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।